पूरब से पश्चिम तक यूपी को मथेंगे मोदी योगी। हर चरण में होगी प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरब से पश्चिम तक चुनावी सभाएं और रोड शो कर माहौल बनाएंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले चुनावी रैलियों का कार्यक्रम तैयार करना शुरू किया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत, अनुराग ठाकुर की सेवाएं कराई जाएंगी। सीएम योगी, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित अन्य मंत्री भी यूपी में चुनावी सभाएं करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, एमपी के सीएम मोहन यादव, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यूपी में सभाएं करेंगे। यूपी के प्रत्येक लोकसभा सीट पर एक छोटी और एक बड़ी सभा कराने की तैयारी है। चुनाव के दिन पड़ोसी क्षेत्र में करेंगे रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली के लिए भाजपा ने रणनीति बनाई है। यूपी में 6 से 7 चरणों में चुनाव होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मोदी पहले चरण में जिस दिन मतदान होगा उस दिन या उससे एक दिन पहले आसपास में दूसरे चरण से जुड़े क्षेत्र में चुनावी रैली करेंगे। प्रत्येक चरण में मोदी की 1 से 2 रैलियां कराने की तैयारी है। काशी में पीएम मोदी का रोड शो भी कराने की योजना है। उत्तर से दक्षिण तक जाएंगे योगी। यूपी के हर लोकसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली कराने की तैयारी है। सीएम योगी केवल यूपी ही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार में भी चुनावी सभाएं करने जाएंगे। पहले चरण के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अधिकांश जगह से मोदी, शाह और योगी की रैली, रोड शो की मांग आनी शुरू हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में मोदी, शाह, नड्डा और योगी के चुनावी दौरों का प्रस्तावित कैलेंडर तैयार किया जा रहा है।